लेकिन एक शेर अभी बाद में झोंकूंगा आप लोगों के महफिल में। मैच शुरू हो चुका है, पहला सेमीफाइनल मैच, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और घूम का बाल को मारे उठाया गया बहुत सुंदर थे, जवाब दिया इस बार कौन खिलाड़ी थे जाने में यादव का जलवा। यहाँ पर पहली गेंद पर खाता खोलता हुआ सुश्रुत नेत्र चिकित्सालय शंकर नगर कॉलोनी टेंगरा मोड़ वाराणसी। वन लव बड़ी हंसी खुशी के बीच यह मैच धीरे धीरे प्रदर्शन करता हुआ जाल का सहारा लेते हुए लेकिन आउट चली गई, आउट आउट और वन आल नेहरू क्लब आजमगढ़। ये प्रदीप भाई की टीम है, बहुत अच्छी टीम है, हर जनपद में ये टीम जाती है, काफी पुराने और सुलझे हुए खिलाड़ी हैं प्रदीप यादव जी और अच्छे के सेटर हैं, लेकिन छोटी गेंद लंबाई में काफी छोटी लेकिन लंबे कद के खिलाड़ी छोटी गेंद बहुत कम मारते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी नौजवान मार देता है, बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं। 2-1 सुश्रुत नेत्र चिकित्सालय 2 नेहरू क्लब आजमगढ़ 1। बहुत सुंदर सर्विस स्वागत करते हुए डिफेंडर उनका बाकी समय तक उठाएगा खतरा, आपका भी चैनल है खतरा। नईम जी, नईम जी बहुत धूम धड़ाके और धूम पटाखे के बीच यह मैच चलता हुआ। आप लोगों से अपील है कि आप लोग ताली जरूर बजाएं, नहीं तो यह मौका साल भर के लिए पछताएंगे आप लोग। सिंगल ब्लॉक नईम द्वारा मिलाया गया यहाँ पर हाहाकार मचाते हुए अपनी टीम में, पहले वॉलीबॉल पे डाल विपक्षी टीम में, इसका उल्टा असर पड़ता है, दबाव बन जाता है एक प्रकार से हाहाकार मचाने से, लेकिन शिष्ट भाषा में ही इसका प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। सर्विस यहाँ पर हल्की सर्विस लेकिन काफी कटीली सर्विस लगाते हैं प्रदीप जी, और देखिए ब्लॉक के ऊपर से गेंद को निकालते हुए पीली जर्सी के खिलाड़ी, मैं जितनी प्रशंसा करूं वह कम है, रजनीश जी उम्दा प्रदर्शन, नौजवान उभरता हुआ सितारा इस जनपद का, इस देश का, आगे जाकर ऐसे ही खिलाड़ी इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। धन्यवाद, हल्की सर्विस प्रदीप की बहुत नबी तुली सर्विस है, इसको रिसीव करने में काफी कठिनाई हो रही है, घूमकर बाल मारना चाहते थे रजत जी लेकिन पट्टी बाल रही और एक अंक के साथ नेहरू क्लब आजमगढ़ 5 सुश्रुत नेत्र चिकित्सालय 5-2। सुंदर ड्रॉप यहाँ पर, अमेरिका से इस खेल का प्रादुर्भाव हुआ है और इस खेल के जन्मदाता 1890 में पेलियन मॉर्गन साहब ने इस खेल का शुरुआत की थी। उस समय इस खेल का नाम वॉलीबॉल नहीं था, मिंटो नेट रखा गया था जो इस जाल के सहारे नहीं बल्कि एक रस्सी बांधकर खेला गया। बहुत से दर्शक इसमें क्रिकेट प्रेमी हैं, हॉकी प्रेमी हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस खेल का जो जन्मदाता देश है और वह है अमेरिका है और इसके विलियम मॉर्गन साहब इसके जन्मदाता हैं। धन्यवाद, जावेद का जलवा आप लोग देख चुके हैं अगले मैच में और 5 आल दर्शक ताली बजा दिए, एक बार जोरदार ताली बजा रहे इसी के बीच, क्या जोरदार ताली बजाई है, 3 पीढ़ी याद रखेगी इस ताली को, रेगुलर 3 पीढ़ी याद रखेगी। शॉर्ट वीडियो वीडियो अगर अपन के पास आ रहा है और सुधर प्रहार यहां पर मौका है, इस पर जाली में यादों को देख रहा है क्या करते हैं जाली में और पर हल्का सा यहां पर प्लेट लेकिन खिलाड़ी चौका ने बिल्कुल मौका है, इस बार देखना है बैक इस तक उठाएगा, लेकिन रोहित जी कामयाब नहीं हो पाए और एक बहुत अच्छा मैच चल रहा है यहाँ पे, सभी क्वार्टर फाइनल से लेकर सभी फाइनल तक जो मैच चल रहे हैं बहुत अच्छे मैच देखने को मिल रहे हैं, दर्शक काफी गदगद हैं और इस बार रजत जी का अच्छा शॉट, पावरदार जोरदार हिटदार शॉट और एक अंक के साथ 6 आल।
सर्विस की अगर हम स्पीड रफ्तार की बात करें तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सर्विस लगा रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथी कमेंटेटर यूट्यूब प्रभारी सुशील तिवारी जी आपको देखा हाल सुनाएंगे। धन्यवाद। तो जालिम यादव को आप आंख बंद करके देखें, मैं आपको बताना चाहूंगा सच में इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया है, चारों खाने चित किया है, भले ही जीता अलग की बात है मगर इस खिलाड़ी ने, मगर यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। और सर्विस प्रदीप भाई के द्वारा सर्विस 8-7 का स्कोर, क्या गेंद करेंगे किसको कि किसी को भी करें अंक चाहिए, अंक चाहिए, लिफ्टर किसी को भी गेंद कर दे, गेंद कहीं और। इस खिलाड़ी के क्या कहने, मन मोहा है इस खिलाड़ी ने। उत्तर प्रदेश में दो खिलाड़ी सबसे सुपर हिट हुए हैं, मैं डंक की चोट पे बताना चाहूंगा, विश्वास नहीं आपको मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मैं जो बात बोलता हूँ वो सच में फैक्ट में बोलूंगा, ये खिलाड़ी कभी थकने का नाम नहीं लेता। फिर एक बार सर्विस जालिम यादव के द्वारा, बहुत ही अच्छी सर्विस मौका आजमगढ़ के लिए, और ये देखिए बाल मार गए यहाँ पे आउट, खतरे की घंटी, सफलता के रथ पे सवार इस समय 10-8 के लिए। रामनगर के सभी खिलाड़ी काफी अच्छे हैं, मैं बताऊं काफी बेहतरीन इंसान बढ़िया है, मगर इनकी रफ्तार वही है, अंक लेना पड़ेगा, इस पे ताली बनती है भाई, ये उस काबिल है हुनरबाज, टंके की चोट में शंखनाद किया है इसे, विजय पताका को फहराकर टंके की चोट में अपने नाम को गौरवान्वित करता हुआ यह खिलाड़ी जालिम यादव। भले ही गेंद आउट थी मगर मैं इसकी रफ्तार बता दूं, कोई भी ऐसा स्पाइकर नहीं है, खड़े खड़े सर्विस आपकी काफी बेहतरीन होती है। सर्विस हो रही है आजमगढ़ की ओर से, मौका बना है, लिफ्टर किसको गेंद करेंगे, और ये टच आउट का प्रयास, मौका अब भी बना है, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अपने मोमेंटम को थोड़ा सा कम जरूर किया। महा मुकाबला 10-11 का स्कोर, अंक लेना पड़ेगा जालिम की टीम को। इस खिलाड़ी के क्या कहने, ताकतवर इसमें विशाल काय विशाल अपने नाम को मुकम्मल करता हुआ 12-10 का स्कोर। इस मैंने दर्शकों, मैं इससे पहले ही बता दिया था, मैंने जिस खिलाड़ी को कहा है उसने प्रूव जरूर किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा 13-10 के लिए सर्विस जालिम यादव की, बहुत अच्छी सर्विस हो रही है, उतना सुंदर पास नहीं हो पा रहा, अतः वो मेहनत, वो जीवंतता, वो करवटता, वो परिश्रम, वो लगन, वो पराक्रम चाहिए। इतिहास की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, मौका बना है, पिच आउट का प्रयास सफल साबित तो नहीं हुआ, रैली फिर एक बार, मौका बना है, इस बार फिर गेंद कर दी, इस खिलाड़ी के क्या कहने, मनमोहा है इस खिलाड़ी ने, अपा गंगा की कोप से निकला हुआ खिलाड़ी अपने हुनर को अंजाम देता हुआ। मैं दर्शकों आज दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, 15-11 का स्कोर, सर्विस हो रही है फिर एक बार जालिम यादव की ओर से, बहुत तेज सर्विस, डिफेंसर सही से डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, मौका बना है, लिफ्टर की गलती क्या भारी पड़ेगी, और लिफ्टर की गलती भारी पड़ी, लिफ्टर ने प्लेस किया, मैंने पहले ही कहा अगर आजमगढ़ का काउंटर खिलाड़ी गेंद नहीं मार पा रहा है ये डिफेंडर की गलती है, रेफरी की फिसल बजी और गलती भारी पड़ गई, वो निर्णय आया रेफरी का, इस तरीके से ये खेलेगी, दिल जीता है इन हुनरबाजों ने, क्योंकि ये वही आजमगढ़ की टीम थी, शक्ति इंटरप्राइजेज रामनगर वर्सेस यूपी कॉलेज वाराणसी, वो टीमें भी जानती है, दो ही टीमें हैं, आपका इसके बाद मैच है। जालिम यादव ने तो ग्राउंड चेंज किया, क्या आप खुद को चेंज कर पाएंगे, उस प्रदीप भाई के द्वारा सर्विस, प्रदीप भाई की ओर से सर्विस अच्छी, मौका बना है, काउंटर जोन के खिलाड़ी को गेंद कर दी, इस खिलाड़ी के क्या कहने, रजत का प्रहार, मैं बताऊं एक रजत का टैग काफी बड़ा है, 17-13 का स्कोर, अपने क्षेत्र के आप माहिर पुरोधा योद्धा जरूर हैं, बनारस की रामनगर की धरती पर आपको साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, 14-17 का स्कोर,
14-17 का स्कोर, 14-17 सर्विस, अच्छी सर्विस, मौका किसी भी अंक चाहिए। रोहित ऐसी गलती नहीं करते, मगर आजमगढ़ की ये वापसी नियम है। आजमगढ़ के जिले में कुछ अलग नियम होते हैं, वहां की कमेटी अब इसके मैचेस को ही करवाती है। जहां तक मैं बताऊं, मेरे छोटे भाई हंस रहे हैं और ये इनका प्रहार शानदार। आज से 6 साल पहले बुजुर्गों की सरजमी पे काफी कम लोग जानते होंगे, यहाँ की जनता नहीं जानती है। बहुत पहले की घटना में बताऊं, अब ये पूछ को पकड़ते पकड़ते सर पे आ गई आजमगढ़। किसी ने नहीं सोचा था इतनी बड़ी लीड को पाट पाएगी। ये है विकास का फ्लिपर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी काफी घातक होता है, बात करते हैं लेफ्ट हैंडर घातक होता है। 18-16 जालिम की सर्विस, भरदार से गोल, इस पे कितने भी पुरस्कार दें वो कम पड़ जाएगा। ये कास्को की ड्यूज की गेंद नहीं है, गांव से जो खिलाड़ी ऊपर आया है, वरना कोई खिलाड़ी ऐसा करतब आज तक नहीं कर पाया। वो ये टंकी की चोट पे आपको बताना चाहूंगा, जालिम यादव ने वो काम किया। खेलो इंडिया खेलो पे पहले सीजन में संत तिवारी ने पार्टिसिपेट किया गांव से। सर्विस हो रही है आजमगढ़ की ओर से, मौका जालिम की टीम, अभी भी मौका बना है, अंक चाहिए। और बार बार आप गलती करेंगे, आजमगढ़ नहीं छोड़ेगी आपको, आजमगढ़ नहीं छोड़ेगी आपको। 18-19 होता हुआ 5 अंकों की लीड को पाट दिया है आजमगढ़ ने। किसी भी तरीके से अंक लेना पड़ेगा इस समय। सर्विस, अच्छी सर्विस, ये बहुत बड़ी गलती चुभने वाली है। 20-20 होता हुआ 10-10 अंकों का डिफरेंस रखा मेरे छोटे भाई ने। बहुत शुक्रिया सुशील तिवारी साहब, बड़ी प्यारी आवाज में तमाम टूर्नामेंट को बिल्कुल अपनी आवाज के जरिए दर्शकों का दिल जीत रहे थे। मुकाबला बड़ा दिलचस्प, कांटों कांटों की टक्कर के दरमियान ये मुकाबला। अगला सेमीफाइनल मुकाबला प्रदीप यादव, वाह रे सर्विस, ऐसा सर्विसल वो भी सिंपल सर्विस के जरिए मैंने कभी नहीं देखा। डिफेंडर को छका देती है, सर्विस का जादूगर, अच्छी सर्विस, लेकिन इस बार ज्यादा तारीफ हो गई थी। 20-21 का स्कोर, दिलचस्प घड़ियों में मुकाबला समट रहा है। डिफेंडेड बाई रजनीश, और ये रजनीश ब्यूटीफुल अटैक, व्हाट अ लवली अटैक बाई रजनीश, टूर्नामेंटल परफॉर्मेंस, सर्विस मार्क पर तैयार, अच्छी सर्विस, जालिम का अच्छा पास और आजमाया गया रजत को, लेकिन वकास और फिर प्रदीप ने आजमाया मिस्टर वकास को, लेकिन इस बार मिस्टर वकास जब तक कुछ कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और 21-22 का स्कोर चल रहा है, लेकिन इस बार बहुत बड़ी गलती कही जाएगी जालिम की। मोहब्बत के उसूलों से अगर वाकिफ जरा होते, तुम्हारी याद का काजल कभी फीका नहीं होता। फिर से एक बार रजनीश, लेकिन सवाल है रोहित ने, और ये शहाबुद्दीन और ये मिस्टर रजनीश, वेल अटेम्प्ट बाय मिस्टर रजनीश, ग्लोरियस परफॉर्मेंस ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट मेरा अब तक का यही टूर्नामेंट रहा है। वेल, और यहां पे जालिम, वाह रे जालिम, बेहतरीन परफॉर्मेंस मिस्टर जालिम का। 2 पॉइंट पीछे है जालिम एंड कंपनी रामनगर, लेकिन क्या होगा आगे का मुकाबला, क्या बताएगा जालिम, 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 दर्शक यही कह रहे हैं। लेकिन यहां पे रजनीश लंबा ही देने बैठे, बड़ी गलती कर बैठे, फासला सिमटता हुआ 23-24 का स्कोर। तो डिफेंडेड बाय अबूजर शहाबुद्दीन और ये मिस्टर वकास, लेकिन लंबा ही देने बैठे, स्कोर बराबर। देहाती में कहा जाता है कि आयो दादा फैल बवाल, दोनों टीमों का स्कोर आज। अगला सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है, लेकिन यहां पे बड़ी गलती कही जाएगी। 25-24 की अपने ही माया जाल में उलझ कर रह गए
सर्विस आजमगढ़ की तरफ से डिफेंडेड बाय सालिम और ये सालिम। लेकिन यहाँ पे बहुत लंबा ट्राई कर बैठे मिस्टर जालिम। दो एक पॉइंट आसानी के साथ 26 और 24 का स्कोर। डॉक्टर सविता मेमोरियल दो दिवसीय आलयूपी वॉलीबॉल प्रतियोगिता और ये विशाल को आजमाया। हल्की सी गेंद और यहाँ पे विशाल सर्विस फ्रॉम रामनगर मिस्टर जालिम डिफेंडेड बाय अबूजर रजनेश। लेकिन यहाँ पे जालिम का पास रोहित के लिए और बिल्कुल हवा में उठा दिया है। बाल फेजा में वकास लेकिन वहां पे वेल टेकन और ये जालिम किसी तरह बाल सवली आजमाएगा रजनेश को और इस बार लंबा हिटिंग दे बैठे मिस्टर रजनीश। स्कोर बराबर। कहा जाता है कि फूल के लिए माली, चाय के लिए प्याली, दामाद के लिए ताली और खेल के लिए ताली। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कमेंटेटर कट लगा मिस्टर सालिम को। मायूस मत हुई दोस्तों। 27 बराबर। और ये मिस्टर रोहित स्मैशिंग सर्विस डिफेंडेड रजनीश। व्हाट अ ब्यूटीफुल अटैक बाय मिस्टर रजनीश। कि जब अच्छा डिफेंस होगा, अच्छी सर्विस होगी और अच्छा ब्लॉक होगा, अच्छा स्मैश होगा, तब जाकर अपने ख्वाब के ताजमहल को आप ताबीर कर सकते हैं। रजनीश ने संभाला फिर रजत आए और यहाँ पे जॉइंट ब्लॉक मिस्टर नईम खान और वकास बिस्मी। 29-27 अभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। डिफेंस, अच्छा डिफेंस आजमाया गया विशाल को और इस बार कामयाबी होने कदम चूमा मिस्टर विशाल का। मिस्टर रोहित फ्रॉम रामनगर स्मैशिंग सर्विस वेल अटेम्प्ट। कोशिश तो किया था लेकिन नाकाम रहे। और यहां पे 29 बराबर। टाइम आउट इज टेकन। 29 बराबर। रोहित सर्विस मार्क पर तैयार स्मैशिंग सर्विस भाई रोहित। वहां पे सवाल आ गया 5 नंबर के जरिए और ये रजनीश। व्हाट अ ब्यूटीफुल अटैक भाई रजनीश। कुछ कर दिखाए। अब बुजुर्ग भी सोच रहे हैं कि क्या मुकाबला चल रहा है। 30-29 संभाल आ गया। 4 नंबर आए। हल्का वार रजनीश घोषाली की गेंद और यहाँ पे वेल अटेम्प्ट रजत का। 5 नंबर ने संभाला, प्रदीप ने उछाला। तो आजमगढ़ की टीम ने इस मुकाबले को सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले को अपने नाम किया।